नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। जौनपुर के सिकरारा चौरा मोहनदास गांव में गुरुवार को संदिग्ध परिस्थिति में हुई फौजी की पत्नी की मौत को मायके वाले हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। मृतका के चाचा के तहरीर पर पुलिस ने देर रात फौजी पति सहित ससुर सास जेठ व जेठानी के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच में जुट गई है। लखेसर गाँव निवासी रामजी यादव ने सिकरारा थाना पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि मेरे भाई राय साहब यादव ने अपनी पुत्री पूजा यादव का विवाह 28 नवंबर 2019 को चौरा मोहनदास गांव निवासी भारत लाल यादव के पुत्र आलोक कुमार यादव के साथ हुई थी। शादी के बाद पूजा चार दिन तक ससुराल में रहने के बाद मायके चली आई थी। आरोप लगाया कि दूसरी बार जब पूजा ससुराल गई तो पति आलोक कुमार यादव, ससुर भारत लाल यादव, सास अमृता, जेठ कैलाश व जेठानी मीता देवी पैसे व बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करते हुए मारते पीटते व मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते। प्रताड़ना की बात वह अपनी मां संगीता को फोन करके बताती थी। आरोप लगाया कि दो दिन पहले जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए पैसे की मांग कर मारपीट रहे थे। चाचा ने तहरीर में बताया कि मैं और मेरे भाई जाकर उन लोगों को समझाया भी था, पर उन लोगों में पैसे की लालच में भतीजी का मोबाइल तोड़कर फेंक दिया। आरोप लगाया कि पति, सास, ससुर, जेठ व जेठानी ने हत्या करके शव को दुपट्टा से बांधकर मकान के एक कमरे में खूंटी से लटका दिया। शव का पैर जमीन पर मुड़ा हुआ था। तहरीर पर पुलिस ने सभी को दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। थाना अध्यक्ष संतोष कुमार राय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया कि आरोपितों की तलाश जारी है, जल्द ही वे सब गिरफ्तार होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।